देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज के शिकार जरूर होते हैं, और हाल ही में वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मीका सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर वो एक वेडिंग में गाते हुए नजर आए थे। जी, अगर आप सोचोगे कि अगर वेडिंग में गाते हुए नजर आए तो आखिर क्या बुरा है, लेकिन वो जो वेडिंग थी वो थी पाकिस्तान में। जी हाँ, मीका सिंह पाकिस्तान में गाना गाते हुए नजर आए, और वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मीका सिंह के वीडियो वायरल होने के बाद फेडरेशन ऑफ सिनी एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि फॉइस ने मीका को कहीं ना कहीं नोटिस भेज दिया है। साफ साफ इस नोटिस में कहा है कि मीका सिंह को बैन कर दिया गया है, और अगर फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी शख्स मीका सिंह के साथ काम करता हुआ अगर नजर आया तो उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। ऐसे में अब ये खबरें आ रही कि मीका सिंह बहुत ही जल्द सलमान खान के दबंग टूर में नजर आने वाले हैं, जो यूएसए में होने वाला है। तो ऐसे में सवाल फिर उठे, तो ऐसे में जब पूछा गया फाइज के एक मेंबर से, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सलमान खान भी मीका के साथ काम करते हुए नजर आए तो उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधी तरह से फाइज ने साफ साफ चेतावनी दे दी है सलमान खान को कि वो मीका सिंह के साथ काम ना करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे मीका सिंह और सलमान खान आखिर क्या आंसर देते हैं। इससे खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मुंबई प्रेस, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।